अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी दराज के फेमस प्रोडक्ट्स। सो ये है दराज में एनजो का हेयर सीरम जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये हेयर डैमेज को रिपेयर करता है, देख सकते हैं हेयर सीरम है ये। तो बेसिकली इसको वेट हेयर्स में अप्लाई करते हैं, ये रिपेयर करता है, फ्रीजीनेस को कंट्रोल में रखता है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है ना जा रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये रिपेयर करता है डैमेज हेयर को और काफ़ी नेचुरल भी लुक देता है। तो बिफोर स्ट्रेटनिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर अगर हमने डाई करना हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो कि आप एक बार यूज़ कर लेना ऐसे लगता है कि आपने बाल ही नहीं वॉश किए। ये इस टाइप का शैम्पू है, मे बी कि ये हेयर फॉल को कम कर दे, बट सीरियसली मैंने तो इसको ऑयली हेयर्स में अप्लाई किया था और सीरियसली ऐसा लग रहा था कि हमने बाल ही वॉश नहीं किए। सो इसका साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है और ये मुझे लगता है डैमेज भी बाल कर देता है। ऐसे बालों का क्या फ़ायदा जो सिर्फ टूटने और डैमेज ही होते जाएं एक शैम्पू से। सो वेस्ट ऑफ मनी है ये बिल्कुल। अगर आप दराज में जाके शैम्पू भी सर्च करेंगे ना तो ये फर्स्ट में आ रहा होगा, बट सीरियसली इसका रिजल्ट 0% है। आगे उसी ही कंपनी का ऑयल है एंटी हेयर लॉस ऑयल जो कि मेरे बालों में तो सूट नहीं किया। और ये भी अगर आप दराज में जाके सर्च करेंगे ऑयल के नाम से तो आपको पहले नंबर में मिलेगा। तो मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ, ये रेडिश कलर में है जो कि वर्क इतना नहीं करता, मतलब ये इतना एक्सपेंसिव है और इसकी क्वान्टिटी भी इतनी कम है और रिजल्ट में भी कोई इतना ख़ास नहीं मुझे लगा। बारी आती है स्ट्रेटनिंग क्रीम के जो कि आइडल, अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये भी आपको पहले नंबर में मिलेगी। और इसके रिजल्ट्स जब मैंने इसको अप्लाई किया अपने बालों में, पहले तो ये कि इसने मेरे हाथ को इस कदर ख़राब कर दिया, मैं आपको अंदर से भी ये दिखाती हूँ कि स्किन भी इतनी ज़्यादा डैमेज करती है, तो सोचो आपके बालों को कितना डैमेज करेगी। तो इसने तो मेरे बालों का ना सत्यानाश कर दिया, इतना इसने डैमेज किया एक तो मेरे बालों को और स्ट्रेट वो भी बाल नहीं किए, तो ये भी बिल्कुल बेकार चीज़ है। सो नेवर एवर बाय दिस क्रीम फ्रॉम दराज, सीरियसली इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी। मैं आपको इसलिए साथ साथ ये सब कुछ बता रही हूँ बिकॉज मैंने तो चले मंगवा के अपने पैसे वेस्ट किए हैं, तो बाकी लोग तो बच जाएंगे ना ये पैसे वेस्ट करने से। ये ऐसी चीज़ों को लगा लगा के दराज में लोगों को पागल करते हैं कि बस लोग ले लें किसी तरह। और ये आपके बालों को एकदम अकरा देती है, मतलब अकर के बाल फिर टूटते हैं, हेयर फॉल ही होता है। बारी आती है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे की जिसके रिजल्ट हाँ ठीक है, बट बहुत अच्छे भी नहीं है, बट अच्छे हैं कि आप इसको बाय कर सकते हैं। अब आती है सीरम की बारी जो कि है हेयर स्ट्रेटनिंग हेयर सीरम। सीरियसली बस ये इसका नाम है कि ये स्ट्रेट करता है बालों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसको बाय करना है तो आप इसको स्ट्रेटनिंग करने से पहले लगा सकते हैं अपने बालों में ताकि डैमेज कम करे, बट गर्मियों में ये अच्छा नहीं है, सर्दियों के लिहाज से विंटर के लिहाज से फिर भी थोड़ा बेहतर है, बट मैंने आपको जो पहले सीरम दिखाया है वो बेस्ट है। बेसिकली ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है हीट से, तो इसके रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, मतलब कुछ कुछ के बालों में सूट करता है, कुछ कुछ के नहीं करता, बट दराज से तो आई थिंक बाय ना ही करेंगे। तो अब बारी आती है जी हेयर ऑयल की जो कि 50 इयर्स ओल्ड रेसिपी है। मैं भी ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी जो कि अम्मा जान्स ऑयल है, बट ये जितना एक्सपेंसिव है ना, मतलब इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। और भी बहुत
हेयर ऑयल्स हैं, बट इसका एक्सपीरियंस इतना कोई लेवल का अच्छा नहीं रहा मेरे साथ। मैंने इसको हर बार यही सोच कर यूज़ किया कि क्या पता इस बार अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, इस बार अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। बेसिकली इनका ये पेज जो है ना अम्माजान, सॉरी ये दराज का नहीं है, ये है इंस्टाग्राम का। तो मतलब इन्होंने जो भी वो रिव्यू डाले हुए हैं वो सारे ही फेक हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये किसी के भी बालों में इतना सूट करता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप प्रोडक्ट्स ऑफ दराज डॉट पी के, जो कि बहुत फेमस हैं। ये मैंने किट ऑर्डर की थी दराज से, जो कि आई शेड्स की है। इसमें हर कलर का शेड है, ग्लिटर शेड है, सिंपल शेड है, लाइट शेड है, डार्क शेड है, बेसिकली इट्स अ बुक ऑफ शेड्स। इसमें सब कलर्स के नहीं है ग्लिटर, बस कुछ कुछ हैं। एक मल्टी शेड का गोल्डन है, पर्पल में है, पिंक में है, सिल्वर में है, बट सारे नहीं है। तो यह है ब्राउनिश शेड्स। ये आ जाते हैं ब्लू में सारे शेड्स। आपके सारे रिजल्ट्स भी शेयर कर देती हूँ ग्लिटर शेड्स के, जो कि अच्छे हैं। मुझे तो ये अच्छे शेड्स लगे हैं। सो मैं सिंपल शेड्स के रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अब बारी है मिस रोज काजल की, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और शुरू में तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई काजल ही नहीं है। अप्लाई करने में तो बहुत अच्छा है, बट आहिस्ता आहिस्ता फैला जाएगा और बाद में गायब। तो अब बारी है बेस स्टिक की, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी, आज ही की थी बल्कि ऑर्डर। तो ये काफ़ी अच्छी है, बट मेरी मानिएगा कि अगर आपने मेकअप ऑर्डर करना है या लेना है तो हमेशा ब्रांडेड मेकअप यूज़ कीजिएगा। बहरहाल मैं आपको ये भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। है तो ये भी एक ब्रांड और काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और ये बेस भी काफ़ी इनकी अच्छी है। देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट भी, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी बेस इनकी। अप्लाई करने में काफ़ी स्मूथ और आपको हर स्किन के ट्यून से मिल जाएगी ये इजीली दराज से। सो अब बात आती है कलर पेंसिल्स की। तो ये दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है, इसीलिए मैंने भी ऑर्डर कर दी थी, बट इनका रिजल्ट कोई इतना बहुत ही सुपर डुपर नहीं है, बट अच्छी हैं। लिप में अप्लाई करने के लिए ये बहुत अच्छी हैं, बट आई में अप्लाई करने के लिए ये शेड्स उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लग तो जाते हैं, बट कुछ देर बाद आप देख लें वो होते नहीं हैं आपकी आई में उस तरह के, जिस तरह के आपने पहले अप्लाई किए होते हैं। तो मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ ये किस तरह के हैं। तो ये है इनका फाइनल रिजल्ट, आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं। सो अब बारी है लेंस की। सो प्लीज़ डोंट बाय एनी लेंस फ्रॉम दराज और अदर वेबसाइट। ऑनलाइन लेंस तो लेने ही नहीं चाहिए, मतलब मैंने जब जब ही ऑर्डर किया है मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, बिकॉज इनमें एक आ जाता है ठीक और एक साइड का आ जाता है ख़राब। सो कभी आप बाय ना करें ऑनलाइन। सो अब आ जाती है बात ज्वेलरी की, दराज की ज्वेलरी में ऐसा नहीं है कि हर ज्वेलरी ही दराज की बहुत अच्छी है, बट रिंग्स दराज की काफ़ी अच्छी हैं। सो ये हैं हमारी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको दिखाई हैं दराज की, बहुत ही फेमस हैं। तो यहीं हमारी वीडियो का एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।